इंडिया द सेल्फ सफिशेंसी इन यूरिया, तो ये क्या है भाई, तो इंडिया इज द आईज ऑफ द, तो ये देखो भाई क्या है, इंडिया जो NPK 4:2:1 में जो खाद डालता है, इसमें 4 किलोग्राम जो नाइट्रोजन हो गया, 2 किलोग्राम जो हमारा फास्फोरस, 1 किलोग्राम हमारा पोटास हो गया। इसलिए भारत में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट करता है जो फर्टिलाइजर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आयात करता है, अधिक जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमत जो ये पैकेट है इसकी लगभग जो 3500 से 4000 के आसपास है जो मिल जाता है हमें, 400-500 रुपये मिल जाता है ना, तो ये यूरिया सब्सिडी दी जाती है। जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज होने लगा, फिर गवर्नमेंट ने इसमें जो नीम का, जो नीम कोटिंग यूरिया का यूज करने लगा कि भाई नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन यूरिया से मिलती है, कि भारत की मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी है, इसको जीस पेपर में रखेंगे फर्टिलाइजर एंड सब्सिडी रिलेटेड तो इशूज है। तो ये इंडिया इज द सेल्फ सफिशेंसी इन यूरिया, इंडिया इज द होपिंग द एंड्स ऑफ रिलायंस ऑन द इम्पोर्टेड विद द नेक्स्ट ऑफ 4 years 2015-25 स्पेंडिंग आउट ऑफ द लोकली डेवलपमेंट ऑफ द वर्जन नॉन एंड द लिक्विड नैनो यूरिया। भारत अगले 4 वर्षों में के भीतर जो 2025 तक तरल नैनो यूरिया के रूप में जो ज्ञात स्थानीय रूप से जो विकसित संस्करण उत्पादन का विस्तार करके जो आयत यूरिया को जो अपनी निर्भरता समाप्त करने का उम्मीद कर रहा है। और यूरिया के आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत क्यों है, तो आपूर्ति श्रृंखला में कमी करने के लिए भारतीय यूरिया को आयात कर रहा है, जो क्योंकि जिसपे जो जो भाई इम्पोर्ट करता है ना भारत जो फर्टिलाइजर, उस पर जो बहुत ज़्यादा टैक्सेस आते हैं, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, फिर उस पर सब्सिडी भी देनी पड़ती है, तो एक तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यूरिया की सबसे बड़ी आयत में से एक होने के कारण जो इसकी मांग यूरिया की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में प्रभावित करती है, और जैसे अभी कोरोना हो गया तो उसमें जो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा एकदम दाम छूने लगे थे आसमान। भारत यूरिया और जो डी जो अमोनो फास्फेट DAP जिसको बोलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जो खरीदार है DAP, दुनिया जो यूरिया की बात जो सबसे भारत में सबसे ज़्यादा उपयोग इस्तेमाल होने वाला उर्वरक है। आपूर्ति जो बाधित होने के कारण जो वर्ष 2022 में जो वार्षिक उर्वरक कीमतों में तेजी से वृद्धि से यूरिया और DAP प्रभावित हुए हैं। यूरिया में आत्मनिर्भरता सरकार ने जो लगभग जो 40,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। और तरल नैनो यूरिया, व्हाट इज द लिक्विड नैनो यूरिया, जो पढ़ाया था मैंने कि इंडिया ने बनाया अपना जो तरल नैनो यूरिया, एक जो नैनोकरण के रूप में होता है, यह है जो पार्श्विक यूरिया के कारण जो विकल्प के रूप में पौधे को नाइट्रोजन प्रदान करने के लिए पोषक है, ये पोषक तत्व है। यूरिया जो सफेद रंग का और रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है, कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है जो पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। लिक्विड नैनो यूरिया वर्सेज द इम्पोर्टेड यूरिया, तरल नैनो यूरिया वर्सेज द आयातित यूरिया, तो यह लागत से हिसाब से तरल नैनो यूरिया जो सब्सिडी के बिना जो आधा लीटर का लगभग 240 रुपये का, और यूरिया के एक बैग के अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत जो 3500 से 4000 रुपये है। नैनो यूरिया एक बोतल यूरिया जो एक बैग से प्रभावी ढंग से बदला जा सकता है, तो ये भाई आधा लीटर है, एक लीटर है, तो एक जो एक पूरे कट्टे के बराबर है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट की क्या है भाई, गवर्नमेंट की क्या है इनोवेटिव्स क्या है गवर्नमेंट के, नैनो यूरिया उत्पादन जो और यूरिया की जो नीम लेप, नई यूरिया जो नीति जो 2015 और उर्वरक के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय जो अंतरिक्ष जो प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है, और पोषक तत्व जो आधारित सब्सिडी का जो NBS योजना, इससे रिलेटेड देख लेते हैं। देखो ज़्यादा लगता है, देखो ये जो पहले वो जो बिखेरने वाला था ना, जो ये कट्टे में आता वो ज़्यादा लगता है, ये जो लिक्विड में ये छोटा है, अच्छा है और ज़्यादा कम यूज होगा। और ये लगभग ये देखो आप, ये भी 80% 90% के पास जो ये कारगर है, बाकी जो उसमें 25% ही कारगर होता था, जो आपका वैसा है जो आपका डालने वाला होता है दानेदार होता है, तो वो बाकी जो 75 बेकार हो जाता था और वो एक पोल्यूशन क्रिएट करता था। तो नेक्स्ट ये हमारा जो इससे रिलेटेड सर्च देख लेते, इसको क्या है सरकारी समितियां, और जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक के लिए नैनो यूरिया और यूरिया NPK उर्वरक और यूरिया सब्सिडी, और इस प्रीलिम्स स्पेसिफिक के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। भारत के रासायनिक उर्वरक के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। वर्तमान में रासायनिक उर्वरक का खुदरा मूल्य बाजार संचालित सरकार द्वारा जो प्रशासित किया नहीं है। दूसरा है हमारा अमोनिया जो यूरिया का इनपुट है जो प्राकृतिक गैस से उत्पादित होता है। थर्ड है हमारा सल्फर और जो फास्फोरस जो एसिड उर्वरक जो एक कच्चा माल है जो रिफाइनरी का उप उत्पादन है, तो ये कौन सा सही है, तो इसमें बीच द करेक्ट आंसर है, दूसरा और तीसरा इज द करेक्ट आंसर है, फर्स्ट गलत है। मैंने स्पेसिफिक के लिए क्वेश्चन देख लीजिए, पोषक तत्व पर आधारित सब्सिडी योजना NBS के संबंधित मुद्दों पर चर्चा करें, साथ में जो भारत के समान समग्र जो उर्वरक सब्सिडी नीति